दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम के सैनी है और मेरे चैनल यूनिक जोन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों तहे दिल से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार मोहब्बत दिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नया डेमोंस्ट्रेशन लेके आया हूं एमबे के न्यूट्रिलाइट सैल्मन ओमेगा का। जानेंगे सैल्मन ओमेगा क्या है, किस तरीके से काम करता है और इसका हमारी लाइफ में क्या महत्व है। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेशन, बहुत सी डिटेल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों तो आइए डालते एक नज़र सैल्मन ओमेगा की कुछ खासियत पर, कुछ इम्पोर्टेंस पर और क्यों हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हेल्थ के इश्यू से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव सा लगता है। जैसे रोगों से लड़ने के शरीर में क्षमता की कमी का होना, शरीर बूढ़ा जल्दी हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज़, शुगर की बीमारियां होना, कैंसर, हाइपरटेंशन, हार्ट की डिसीज जैसे हृदय संबंधी समस्याओं का होना और किडनी से संबंधित समस्याएँ। दोस्तों इस तरह की बहुत सी मेजर डिसीज़ आज की डेट में हमारे समाज में फैलती चली जा रही हैं। आखिर क्या स्पेसिफिक रीज़न है जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। दोस्तों आइए एक नज़र डालते हैं आज के जीवन शैली और रोगों के कारण पर। पहली अगर बात हो तो आज जीवन शैली हमारी बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है। अगर सेकंड की बात करें तो जल्दबाजी में खाना, हड़बड़ी में खाना, खाना नहीं खाना या खाना बीच में छोड़ देना। थर्ड की बात करें तो एक्सरसाइज ना करना और शारीरिक व्यायाम के लिए समय की कमी होना। फोर्थ की बात करें तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एल्कोहल, शराब पीना, लिकर पीना, खान पीन की चीज़ों में केमिकल का बहुत ज़्यादा होना, तनाव भरी जिंदगी जीना, वर्क प्रेशर होना, स्ट्रेस का होना, ईटिंग मोर मेडिसिंस। किसी रीजन या किसी कारणवश हम लोग बहुत ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ करते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। पर्याप्त मात्रा में सफिशेंट फूड और वेजिटेबल का यूज़ ना करना, बहुत ज़्यादा चाय पीना, कॉफ़ी पीना। दोस्तों ये कुछ स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से हम लोग बीमारी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों व्यस्त जीवन शैली, धूम्रपान, प्रदूषण, फास्ट फूड, कीटनाशक, उर्वरक इत्यादि सभी मिलकर हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स का निर्माण करते हैं जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। दोस्तों और यही फ्री रेडिकल्स की वजह से हृदय, फेफड़े, त्वचा, दिमाग और शरीर के ऊतकों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचता है। दोस्तों यही कारण है कि किसी के दैनिक आहार में पोषक तत्वों की भारी कमी को पूरा करने और स्वस्थ जीवन का आनंद उठाने के लिए फूड सप्लीमेंट को अवश्य लेना चाहिए। दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक नया डेमोंस्ट्रेशन लेकर आया हूँ एमबे के न्यूट्रिलाइट सैल्मन ओमेगा का, और जानेंगे ओमेगा 3 का हमारी लाइफ में क्या योगदान है और कुछ विशेष रोशनी डालेंगे हृदय से रिलेटेड समस्याओं पर। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडिया इज ए कैपिटल ऑफ हार्ट पेशेंट, दुनिया के 60% हार्ट पेशेंट इंडिया में है। और कुछ आंकड़ों पर अगर नज़र डालते हैं तो आज इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है और इंडिया में 50% पॉपुलेशन 25 ईयर से कम की है, यानी 67 करोड़ पॉपुलेशन 25 की उम्र से कम है। इंडिया जनगणना के अनुसार इंडिया में 48% फीमेल पॉपुलेशन है और 52% मेल पॉपुलेशन है। अगर 135 करोड़ पॉपुलेशन से 25 से कम उम्र की पॉपुलेशन को निकाल दिया जाए तो टोटल फीमेल पॉपुलेशन 32 करोड़ और मेल पॉपुलेशन 35 करोड़ होती है। दोस्तों डॉक्टर और मेडिकल रिसर्च के अनुसार फीमेल और 25 से कम की उम्र को की पॉपुलेशन को हृदय रोग और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत कम होती है, यानी ना के बराबर होती है। बच्चे सिर्फ 35 करोड़ मेल पॉपुलेशन। एज पर द मेडिकल रिसर्च मेडिकल रिपोर्ट्स, भारत में लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों को हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, जिसमें से हर साल 50 लाख लोगों को हार्ट अटैक आता है और 50 लाख में से 30 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों हार्ट से संबंधित बीमारियों का मुख्य रीजन क्या है? और हार्ट से संबंधित बीमारियों का मुख्य रीजन है बेड फेट, जो कि सैचुरेटेड फेट कहलाता है।
फेट बुरे होते हैं और इसी वजह से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियाँ, ओबेसिटी और बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। परंतु कुछ फेट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इस फेट के बिना हमारी बॉडी का कोई महत्व नहीं। दोस्तों, ये फेट एसेंशियल फैटी एसिड के नाम से जाने जाते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि मस्तिष्क का 60% पार्ट इसी फेट से बना होता है। दोस्तों, हमारी बॉडी की जितनी भी नसें होती हैं वो माइलिन सीट से ढकी होती हैं और ये भी उसी फेट से मिलकर बनी होती है। दोस्तों, ये फेट पॉली अनसैचुरेटेड फेट कहलाते हैं और इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला ओमेगा 3 के नाम से जाना जाता है और सेकंड ओमेगा 6 होता है। पॉली अनसैचुरेटेड फेट का सबसे महत्वपूर्ण रोल है कि ये हमारे ब्लड में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लिपिड को कम करता है, जो कि हार्ट संबंधी समस्याओं का मेन रीजन है। मगर दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, इनसे हम पेट भरते हैं, जिससे वसा और खासकर ओमेगा 6 फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारे शरीर में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का इम्बेलेंस हो जाता है, एक संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके वजह से ये बीमारियाँ पैदा होती हैं। दोस्तों, इसके बीच संतुलन पैदा करने के लिए हमें काफ़ी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का एक रेशो लेना चाहिए। ये रेशो 1:5 से लेके 1:10 तक होना चाहिए, मगर ये रेशो इंडिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 1:30 से लेके 1:70 तक देखा गया है। दोस्तों, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है। दोस्तों, आइए हम लोग एक डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं, क्या न्यूट्रिलाइट का सैल्मन ओमेगा 3 हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है? वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन माय चैनल यूनिक जो। दोस्तों, मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइव डेमोंस्ट्रेशन। डेमोंस्ट्रेशन के लिए मैंने 2 प्रोडक्ट लिए हुए हैं। पहला मैंने न्यूट्रिलाइट का सैल्मन ओमेगा लिया हुआ है और दूसरा मैंने मार्केट का ओमेगा 3 लिया हुआ है। अब इस डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से हम चेक करेंगे, जानेंगे कौन सा हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। तो दोस्तों, ओमेगा 3 इस तरह का कोई प्रोडक्ट होता है, इसमें कुछ सॉफ्ट जेल होते हैं, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरह से आपको ये सॉफ्ट जेल आते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। और मार्केट के प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो मार्केट के प्रोडक्ट में कुछ इस तरह के सॉफ्ट जेल है, इसको निकाल लेते हैं कुछ। दोस्तों, डेमोंस्ट्रेशन के लिए मैंने 2 जार लिए हैं, प्लास्टिक के छोटे छोटे डब्बे ले लेंगे। अब ये जो सॉफ्ट जेल लिए हैं मैंने दोनों, इन दोनों सॉफ्ट जेल को इनके कुछ 4-4, 5-5 पीसेस मैं जारों में डाल देता हूं। अब हम दोनों जारों को फ्रीजर में रख देंगे 5 घंटे के लिए। फ्रीजर में 5 घंटे रखने के बाद में इन दोनों की पोजीशन चेक करेंगे एग्जैक्टली दोनों में डिफरेंस क्या पैदा होता है। तो आइए हम लोग इन दोनों जारों को फ्रीजर में रखते हैं। ये मैंने मार्केट का ओमेगा 3 लिया है और इसको 5 घंटे के लिए हम फ्रीजर में रख देते हैं। इसके बाद में हमने न्यूट्रिलाइट का सैल्मन ओमेगा 3 लिया और इसको भी 5 घंटे के लिए हम फ्रीजर में रख देते हैं और 5 घंटे के बाद में हम चेक करते हैं दोनों में क्या परिवर्तन आता है। दोस्तों, आइए हम लोग चेक करते हैं मार्केट के ओमेगा 3 और न्यूट्रिलाइट के सैल्मन ओमेगा 3 में क्या परिवर्तन होता है, जो कि 5 घंटे से फ्रीजर में रखे हुए हैं। दोस्तों, पहले हमने न्यूट्रिलाइट का सैल्मन ओमेगा 3 निकाला है और इसमें चेक करते हैं कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस पैदा होते हैं। इसको टच करने से ये सॉफ्ट है, ज़्यादा सॉलिड नहीं हुआ है 5 घंटे फ्रिज में रखने के बाद, और आप फील कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं
और आपको देखने से लग रहा होगा। और आइए दोस्तों हम लोग एक नज़र डालते हैं मार्केट के ओमेगा 3 प्रोडक्ट पर। ये मार्केट के सॉफ्ट जेल आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कलर में थोड़ा सा लाइट कलर इनका हो चुका है और इसको प्रेस करते हैं तो थोड़ा सा सॉलिड नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ठोस हो चुके हैं, थोड़े से जम चुके हैं। अगर हम कंपेरिजन करें मार्केट के प्रोडक्ट और ओमेगा 3 एम्बे के प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें से ओमेगा 3 मार्केट का थोड़ा सा सॉलिड है इन कंपेरिजन ऑफ न्यूट्रिलाइट प्रोडक्ट। दोस्तों इस डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से आपने जाना कि एक मार्केट का ओमेगा 3 और दूसरा सैल्मन ओमेगा 3, न्यूट्रिलाइट का सैल्मन ओमेगा 3, दोनों को हमने 5 घंटे फ्रिज में रखा और उसमें से एक सॉफ्ट जेल ज़्यादा जमता है और दूसरा कम जमता है। तो उन दोनों के पीछे क्या स्पेसिफिक रीज़न है, क्या कारण है जमने और ना जमने के पीछे, आइए दोस्तों उस कारण पर हम लोग फोकस करते हैं और जानते हैं कौन सा ओमेगा 3 हमारे लिए बेस्ट है। दोस्तों अगर हम ओमेगा 3 की बात करें तो अच्छी क्वालिटी के ओमेगा 3 के प्रोडक्ट मार्केट में भी अवेलेबल है, मगर बहुत सी कंपनी ओमेगा 3 के प्रोडक्ट में केमिकल का यूज़ धड़ल्ले से कर रही हैं। ऐसा ही एक केमिकल है जिसको पॉलीक्लोरिनेटेड फिनाइल्स के नाम से जाना जाता है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और सिंथेटिक केमिकल है। दोस्तों ये केमिकल USA, कनाडा और बहुत से देशों में बैन कर दिया गया है। दोस्तों PCB की बात करें तो ये ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज किए जाते हैं और उसको ठंडा रखते हैं, एज ए अच्छे इंसुलेटर की तरह काम करते हैं और उसको जलने से रोकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने प्रैक्टिकल के माध्यम से देखा, अगर सॉफ्ट जेल को हम फ्रीजर के अंदर 5 घंटे तक रखते हैं और वह जमकर सॉलिड हो जाता है तो ये संकेत है उसमें मौजूद हायर PCB कंटेंट का। तो दोस्तों ये PCB कंटेंट आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और आपको बीमारी की तरफ लेके जा सकता है। दोस्तों जब भी आप ओमेगा 3 का कोई प्रोडक्ट लें तो थोड़ा सा चेक कीजिए, ध्यान रखिए और तभी आप उस प्रोडक्ट का यूज कीजिए। दोस्तों आइए हम लोग फोकस करते हैं न्यूट्रिलाइट सैल्मन ओमेगा 3 की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। यह क्या है, किस तरीके से काम करता है और ये क्यों हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिलाइट सैल्मन ओमेगा 3 मछली का तेल होता है। सैल्मन अटलांटिक महासागर के गहरे और ठंडे पानी से प्राप्त की जाती है। दोस्तों इसमें डी अल्फा टीकोफेरोल होता है जो मछली के गंध को पूरी तरह से खत्म करता है और आपको एक अच्छे फैट का संतुलन प्रोवाइड कराता है। दोस्तों ओमेगा 3 ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में बहुत कारगर है जो कि हृदय रोग के मेन कारण है। दोस्तों गर्भावस्था के दौरान जो शिशु होते हैं उसके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। दोस्तों ओमेगा 3 डिप्रेशन जैसे विकार को सुधार करने में बहुत ही कारगर है। ओमेगा 3 हृदय रोग के जो रीजन होते हैं, जो फैक्टर होते हैं उस पर काम करता है, उसको पूरी तरह से खत्म करता है और आपको एक हेल्दी लाइफ देता है। दोस्तों ओमेगा 3 मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम के लक्षणों को पूरी तरह से खत्म करता है। दोस्तों ओमेगा 3 कैंसर को रोकने में बहुत कारगर है। दोस्तों ओमेगा 3 बच्चों में अस्थमा की प्रॉब्लम को कम करने में मदद करता है। ओमेगा 3 आपके लीवर पे चढ़े हुए फैट को कम करता है और आपको स्वस्थ फील कराता है। ओमेगा 3 जो माता बहनों को मासिक धर्म होते हैं, जो डेट्स होती हैं, उस डेट्स के दौरान जो पेन होता है उसको कम करने में बहुत कारगर है। दोस्तों ओमेगा 3 आपकी नींद में बहुत सुधार करता है। दोस्तों इस डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से हमने ओमेगा 3 की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाना जो कि हमारे हृदय के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा और जल्दी ही एक नए और यूनिक डेमो के साथ में दोबारा से मुलाकात होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। Take care of yourself. Thanks for watching this video.